महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि जनता का विश्वास मत ही एग्जिट पोल है। संसद की बात करने वाले जब असंसदीय व्यवहार करते हों, संसदीय प्रणाली की बात करने वाले जब असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, वे लोग जनता को डरा सकते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं कर सकते। लोग आज सामने तर्क वितर्क तो नहीं कर सकते लेकिन अंदर की ज्वाला को कैसे शांत कर सकते हैं, लोगों को डराया नहीं जा सकता है। भले ही विरोधी खेमे के लोग गालियां देते रहें लेकिन हम जनता के सेवक हैं और सदैव सेवक बने रहेंगे। यह बातें प्रेस वार्ता में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कही। छपरा से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। 23 से मई को काउंटिंग होना, उसके पहले एग्जिट पोल आया है। एग्जिट पोल जो आया है वो सही आया, वह विश्वास जो लोगों का था वो एग्जिट पोल ने दर्शाने का काम किया। एक दिन में विश्वास बनता नहीं। विश्वास जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और जब काम उन्होंने शुरू किया तो काम उनका विश्वास में परिवर्तित होने लगा। जब लोगों का समस्या धरती पर उसका समाधान होने लगा तो लोगों को विश्वास पड़ गया। और विश्वास का ये कारण है कि 2019 के चुनाव में लोगों के एकदम मन बना लिए थे पहले से कि हम नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस महाराजगंज क्षेत्र से उनको सहयोग करने के लिए एक अपने सच्चे प्रत्याशी जनार्दन सिग्रीवाल को जिता करके भेजने का काम करें। और आज यही कारण है कि चाहे आज राज्य का लीजिए, महाराजगंज क्षेत्र का लीजिए, हर जगह लोगों ने कौशल विकास के केंद्र खोले जाएंगे। उनको यह विश्वास नहीं था गांव के गरीब किसान मजदूरों को कि मेरे भी घर में बिजली थी। लोगों को यह विश्वास नहीं था कि मेरे भी दरवाजे से लेकर के और शहरों तक एक अच्छे सड़क का निर्माण, उस पर मुझे चलने का मौका मिले। लेकिन यह सब धरती पर उतरा तो लोगों का विश्वास बढ़ा और उसी का परिणाम है, उसी का देन है कि लोग फिर एक बार मोदी सरकार का नारा जपते जपते मोदी सरकार को स्थापित करने के लिए लोगों ने NDA के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। और महाराजगंज में भी लोगों ने उसी विश्वास के साथ, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में, NDA के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से चुनाव मैं 2014 में भी लड़ा था और 2019 में भी लड़ा था। 2014 और 2019 में लोगों का विश्वास बढ़ा है कि कामों का समाधान जनार्दन सिग्रीवाल ही करा सकता, या झांसाबाजी नहीं कर सकता, या लोगों को ब्लॉक नहीं दे सकता, या लोगों के समस्या का निदान करने का रात दिन प्रयास करता है। और वही कारण है कि लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके विश्वास से व्यक्ति को काम करना चाहिए। और मैं जनता का सेवक हूँ। कल भी मुझे जब इलेक्शन भी था तब भी आप कभी आए होते तब भी मैं आप मैंने देखे होंगे, मैं उस समय भी ये जनता की सेवा यहाँ कर करके ही फिर क्षेत्र में निकलता था। जनता की सेवा मेरी प्राथमिकता है और वही मेरी पूंजी है। उस पूंजी से और उस कर्तव्य से मैं अपने को कहीं भी अलग नहीं कर सकता। और इसलिए आज भी मैं, आज आप देखिए भी होंगे, आज भी मैं उसी भाव से आज भी मैं सेवा कर पाऊँ और कल यानी 23 को रिजल्ट होगा तो फिर उसी भाव से मैंने काम में, काम के करने में कोई भी बाधा मुझे नहीं बन सकता। मैं सेवक हूँ, एक चौकीदार हूँ, तो जनता की सेवा करना, जनता के सम्मान का चौकीदारी करना, उसके विकास का चौकीदारी करना मेरा कर्तव्य है। उस कर्तव्य का मैं सही तरीके से पालन करता हूँ। अन्य लोग 12 तक लोगों से मिलने का प्रयास किए होंगे, 11 वह जल उठेगा और अंदर का जो ज्वाला जब व्यक्ति के अंदर जलता है ना, तो हमें लगता है कि वह किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करता। और यहाँ के महाराजगंज के लोकसभा क्षेत्र में यह भी एक बहुत बड़ी प्रमुखता की बात रही है, लोग आज भी डरवा धमका करके लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को लोग अपमानित कर रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे, मुझे अपने वह प्रयास कर रहे थे, लेकिन गाली उनको वह उनके पास वह रहे, उनकी गाली उनके पास जाए, जिस तरीका से गाली दिए हैं उनके पास वह गाली जाए। और हम लोगों के पास अब सगुन नहीं, हम लोगों के पास सगुन और हम लोगों के पास सद्भाव का विचार हमारे समर्थकों के बीच, हमारे बीच और हमारे NDA के नेताओं के बीच, नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है, यही खुदा से विवाह है। कितना उम्मीद कर रहे हैं के पास इसके अलावा कुछ है नहीं। गाली देना, लोगों को माने बेइज्जत करना, लोगों के प्रति अपशब्द का व्यवहार करना, और मैं समझता हूँ कि जो संसद की बात करता है वो असंसदीय व्यवहार करता हो, असंसदीय भाषा का प्रयोग करता हो, तो जनता तो उसको उस समय रिजेक्ट कर देती है।
आप बात करते हो संसद की, संसदीय प्रणाली की, और भाषा का प्रयोग करते हो और व्यवहार करते हो असंसदीय, तो असंसदीय व्यवहार से लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। लोगों का डरवाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आज लोग डर करके रहने वाले भी नहीं हैं। सामने भले कोई सी मजबूरी में आपसे वो तर्क वितर्क न कर सके, लेकिन उनके अंदर का जो ज्वाला है, जब आप उनको डरवाइएगा, जब आप उनके अंदर डर भरने 100% है, और मेरी जीत यहाँ नहीं है, यहाँ की महाराजगंज क्षेत्र की जनता की जीत। मैं तो जनता के प्रतिनिधि हूँ। NDA ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने, रामविलास पासवान जी ने, सुशील कुमार मोदी जी ने मुझे यहाँ उम्मीदवार बनाया हुआ, लेकिन मैं तो सीधे अपने जनता के बीच में उस उम्मीदवारी को हाजिर कर दिया, और जनता इस चुनाव को लड़ करके, और जनता ने इस चुनाव को लड़ने का काम भी किया है और जीत भी उन्हीं की है, और उसी अनुसार यहाँ वोट भी पड़े। एक क्वेश्चन सर, कि देशवासियों को अपना समर्थन और सहयोग देने का काम किया। देखिए, एक दिन में ना कोई काम कर सकता है, न एक दिन में विश्वास हासिल कर सकता है। 2014 के पहले जो परिस्थिति थी, लोगों को विश्वास नहीं था कि गांव के किसानों के खाते में पैसे भी आएंगे। उन माताओं को विश्वास नहीं था कि मुझे भी फ्री में गैस का कनेक्शन मिले। उनने नौजवानों को यह विश्वास, फिर वह मिलेंगे नहीं, उनका दर्शन नहीं होगा। लेकिन मैं तो निरंतर मिला हूँ, कल भी मिला हूँ, आज भी मिला हूँ, कल भी मिलूंगा। मेरा एक निरंतर यह प्रयास रहा है सेवा करने का, और मैं सेवा ही मेरा असली मूल रूप से मेरी पूंजी है, और मैं उसको कहीं भी किसी भी तरीका से उस पर कहीं कोई बाधा न आए, इसका हमेशा मैं प्रयास करते रहता हूँ। और आज एग्जिट पोल भी वही चीज़ को दिखाने का काम कर रहा है। क्या पापा, पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा, हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाए, तो आज ही संपर्क करें।